ये चमकता हुआ डिवाइस मेरे आज तक के एक्सपीरियंस का सबसे अच्छा दिखने वाला 15 वॉट का फास्ट वायरलेस चार्जर है। ये ना तो किसी भी कंपैटिबल एप्पल या एंड्रॉइड फोन को चार्ज कर सकता है, लेकिन ये किसी भी वायरलेस एक्सेसरी को भी चार्ज कर सकता है। और ये सिर्फ 2000 रुपए में अवेलेबल है, जिसमें शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड है। आप मेरा डिस्काउंट कोड भी यूज कर सकते हो, जिससे इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी, जिसकी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम इसके बॉक्स को और कॉन्टेंट्स को देख लेते हैं। सामने की तरफ हम इसकी सभी 8 लाइट्स देख सकते हैं और ये बेसिकली किसी भी वायरलेस डिवाइस को चार्ज कर सकता है। बॉक्स के राइट में हमें इस स्पेसिफिक मॉडल की स्पेसिफिकेशन दिखाई देती है, जिसकी केबल लेंथ 1 मीटर की है यूएसबी टाइप ए पोर्ट के साथ। हमें एक और ऑप्शन मिलता है 0.3 मीटर केबल का, जो करीब 1 फुट होगा, जिसे हम या तो यूएसबी टाइप ए या टाइप सी केबल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं इस डिवाइस के। बाकी सभी साइड्स में हमें लिखा हुआ मिलता है फास्ट वायरलेस चार्जिंग पैड, और पीछे की तरफ हम इसकी बाकी की सभी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। ये फास्ट वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है 5, 7.5, 10 और 15 वॉट की चार्जिंग को भी। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि किसी भी वायरलेस डिवाइस के फास्ट चार्जिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक फास्ट चार्जर अडैप्टर भी यूज करना पड़ेगा, कम से कम 18 वॉट का, जैसे कि ये ड्यूरासेल की तरफ से। आपको पता ही होगा कि ड्यूरासेल के प्रोडक्ट्स हमेशा स्टर्डी, ट्रस्टवर्दी और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो इस अडैप्टर को रेकमेंड करना काफी आसान था मेरे लिए। इसमें हमें मिलते हैं 2 यूएसबी ए पोर्ट्स 18 वॉट के, टोटल 36 वॉट्स, जिसमें आप एक दूसरा पोर्ट यूज कर सकते हैं एक और फास्ट वायरलेस चार्जर के लिए। और अगर आप इसे अपने घर में भी यूज करना चाहते हैं, तो आप ये वाला वॉल अडैप्टर भी यूज कर सकते हैं Xiaomi की तरफ से। मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से और आज तक कोई भी इशू नहीं मिला मुझे। मैं इन दोनों अडैप्टर्स के साथ साथ फास्ट वायरलेस चार्जिंग पैड के परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए, अगर आप खरीदना चाहते हो तो। चलिए जल्दी से इस बॉक्स को खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। वैसे मैं इस वायरलेस चार्जर को पिछले 2 महीनों से यूज कर रहा हूँ और ये आज भी बिल्कुल पहले दिन जैसा काम करता है। मैं इसे दोबारा से अनबॉक्स कर रहा हूँ सिर्फ आपके साथ इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बॉक्स में हमें वायरलेस चार्जर के अलावा मिलता है एक छोटा सा डिटेल्ड यूजर मैनुअल और 2 डबल साइडेड टेप्स, जिनसे हम इस फास्ट वायरलेस चार्जर को अपनी गाड़ी में कहीं भी चिपका सकते हैं, ताकि चार्जर खुद से ना हिले गाड़ी चलाते वक्त। इस डिवाइस में और इसकी वायर में भी यूज किया गया मटेरियल काफी अच्छा और सॉफ्ट है। ऊपर का चार्जिंग पैड काफी सॉफ्ट है, लेकिन एक रगड़ टेक्सचर के साथ आता है, और जहां तक मुझे लगता है ठीक बीच में है इसके वायरलेस चार्जिंग कॉइल्स। पीछे की तरफ हमें मिलती हैं इसकी सभी लाइट्स, जो इस फ्लेक्सिबल रबर लाइक मटेरियल के पीछे हैं, जिसे मैं ज्यादा मोड़ना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उससे ये चार्जर खराब भी हो सकता है। लाइट्स की बात करें तो इनमें हमें एक ही प्रीसेट मिलता है जो हम चेंज नहीं कर सकते। नीचे की लाइट्स धीरे धीरे कलर्स चेंज करेंगी, एक एक करके 8 कलर्स में, और फिर सर्कल बैक करके स्टार्टिंग की लाइट दोबारा से ग्लो करेगी। और एज एक्सपेक्टेड इस चार्जिंग पैड पे कोई भी कंपैटिबल फोन रखते ही फोन की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। मोटे से मोटे फोन कवर या केस के साथ भी चार्जिंग हर बार काम करती है बिना किसी दिक्कत के। और इसके रगेट सरफेस की वजह से आपका फोन गाड़ी में ज्यादा हिलना भी नहीं चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हो। अब हम इसे मेरी गाड़ी किया सोनेट में कनेक्ट करके देख लेते हैं, जिसमें बाय द वे आगे की तरफ ऑलरेडी एक वायरलेस चार्जर आता है, लेकिन पीछे की तरफ नहीं है रियर पैसेंजर्स के लिए, जिसके वजह से मैंने ये फास्ट वायरलेस चार्जर को मंगवाया था। और इसकी 1 मीटर लंबी तार के साथ साथ डबल साइडेड टेप्स की वजह से मुझे ये एक बेहतरीन सेटअप लगा अपनी गाड़ी के लिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इस फास्ट वायरलेस चार्जर का प्राइस सिर्फ 2000 रुपए के करीब है, जिसमें शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड हैरीडब्ल्यूटी यूज करते हैं, तो आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिलेगा 18% का किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जिससे इसका इफेक्टिव प्राइस गिर के हो जाता है करीब 1700 रुपए का शिपिंग चार्जेस के साथ, जिससे ये एक फैंटास्टिक डील बन जाती है। और इस फास्ट वायरलेस चार्जिंग पैड के अलावा कई सारी और भी एक्सेसरीज हैं आपकी गाड़ी के लिए, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि H33 मिरर स्क्रीन, जिसे मैंने हाल ही में रिव्यू किया था अपने दोनों ही चैनल्स में। आपको इसकी डिटेल्स मेरी वेबसाइट में भी मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ हम पहुंच चुके हैं इस रिव्यू वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।